नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE अधिकारी हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप डाक मित्र का काम करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसे जान लेना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट होता है और उस सर्विस में आप काम करते हैं तो उस अपडेट को आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि वह क्या अपडेट है और आपको कैसे काम करना है, अर्थात उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ये सब जानना आपके लिए अति आवश्यक होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डाक मित्र के इस बड़े अपडेट को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबर मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि डाक मित्र पोर्टल पर काम करने वाले भीली के लिए क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, इसके लिए आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जब आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है आप सबको सूचित किया जाता है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। आप सबको सूचित किया जाता है कि हमारे CSE वीएलई डाक मित्र सेवा के तहत दो प्रकार के पार्सल बुक कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का वजन 500 ग्राम से अधिक है तो उसे स्पीड पोस्ट पार्सल के सब में बुक किया जा सकता है और है भले ही वह वस्तु दस्तावेज ही या मर्चेंडिस क्यों ना हो। तो यहाँ दिया गया है कि आपको सुनित किया जाता है कि हमारे CSE वीएलई डाक मित्र सेवा के तहत दो प्रकार के पार्सल बुक कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का वजन 500 ग्राम से अधिक है तो उसे स्पीड पोस्ट पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है, भले ही वह वस्तु दस्तावेज हो या मर्चेंडिस हो। दूसरा कहता है यदि वस्तु का वजन 500 ग्राम से कम है तो पार्सल को स्पीड पोस्ट के रूप में तभी बुक किया जा सकता है जब वह एक मर्चेंडिस हो और दस्तावेज नहीं हो। एक चीज़ जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 500 ग्राम से कम वजन वाले पार्सल में पार्सल एक दस्तावेज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा। देखिए कहता है इसलिए सभी दिल्ली को सुझाव दिया जाता है कि 500 ग्राम से कम का कोई भी पत्र या दस्तावेज बुक ना करें। यानी आप ये सब झंझट ना पड़ें। यदि आप काम करते हैं तो केवल एक ही बात याद रखें कि यदि कोई दस्तावेज है, यदि उसका वजन 500 ग्राम से कम है तो आप उसे बुक मत कीजिए, कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आप आसानी से बुक कर सकते हैं, तो इस झमेले में नहीं पड़ते हैं। अगर 500 ग्राम से कम है तो आप बुक नहीं करेंगे, अन्यथा मामला फंस सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो यही सूचना देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भील साथियों।